वही कंपनी जिसने पहला GSM फ़ोन बनाया, जिसने पहला कार फ़ोन बनाया, जिसने पहला एनालॉग फ़ोन बनाया, उसने बाद में स्मार्टफोन जो कि उसने ऑलरेडी इंजीनियर्स ने तैयार कर लिया था, टॉप मैनेजमेंट ने उसको डिस्कार्ड कर दिया। नमस्कार दोस्तों, डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जिसको बोलते हैं फेस ट्रांजिशन। फेस ट्रांजिशन क्या है? फेस का मतलब होता है जैसे कि पानी होता है और वो पानी से आइस या बर्फ़ बन जाता है, तो एक फेस से दूसरे फेस में वो बदल गया। इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे नोकिया कंपनी। आप सबने नोकिया के फ़ोन्स तो यूज़ किए होंगे। 1970s में नोकिया एक ऐसी कंपनी थी जो अपने टॉयलेट पेपर और रबर के बूट्स बनाने के लिए जानी जाती थी, लेकिन अगले 20 सालों में नोकिया ने ऐसा काम किया कि वो फर्स्ट नंबर पे आ गई। पहला एनालॉग फ़ोन, मतलब जो हम रिसीवर उठा के फ़ोन पे बात करते हैं, वो फ़ोन उसने पायनियर किया, उसमें टॉप किया। उसके बाद कार में पहला फ़ोन, उसके बाद पहला स्मार्टफोन, और इस तरीके से एक के बाद एक नोकिया पायनियर करती चली गई। और अर्ली 2000s में तो इस पृथ्वी पर जितने स्मार्टफोन बिक रहे थे आधे नोकिया थे। कुछ समय के लिए तो यूरोप की सबसे कीमती इंडस्ट्री थी नोकिया। नोकिया का नाम ऐसा माना जाने लगा कि जैसे कि सक्सेस नोकिया के सिनोनिमस हो गया। बिजनेस वीक ने लिखा, फॉर्च्यून मैगजीन ने लिखा कि नोकिया में हायरार्की नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक लेयर टॉप मैनेजमेंट का, फिर उसके नीचे सेकंड मैनेजमेंट, थर्ड मैनेजमेंट, लॉट लेयर्स नहीं है। और उस नोकिया कंपनी के CEO ने बोला कि हमारी कंपनी फन है, मतलब मज़ा आता है यहाँ लोगों को काम करने में, और यहाँ पे हम लोग लोगों को बोलते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट्स करो और इधर उधर की चीज़ें ट्राई करो। उस समय नोकिया का नाम सक्सेस के साथ जोड़ा जाता था। 2004 में नोकिया के कुछ थोड़े से इंजीनियर्स ने मिलके एक इंटरनेट रेडी फ़ोन बनाया जिसकी एक कलरफुल स्क्रीन थी, टच वाली। उन्होंने उसमें कैमरा भी डाला और उसके बाद उन्होंने एक बहुत नया आइडिया प्रपोज किया उस फ़ोन के साथ, एक ऑनलाइन ऐप स्टोर। वही नोकिया की लीडरशिप टीम जिसके बारे में लिखा जाता था कि वो लोग बड़े फन लविंग हैं, एक्सपेरिमेंट्स को होने देते हैं और अलाउ करते हैं, उसी टीम ने दोनों आइडियाज़ को शट डाउन कर दिया। और 3 साल बाद इंजीनियर्स ने देखा सैन फ्रांसिस्को में, स्टीव जॉब्स ने उन्हीं आइडियाज़ को स्टेज पे पूरी दुनिया के सामने दिखाया, और वो था एप्पल का आईफोन। और उसके बाद 2013 में नोकिया की जो मोबाइल बिजनेस थी वो बिक गई। जब नोकिया पीक पे था और उसके बाद जब नोकिया का बिजनेस ख़त्म हुआ, $0.25 trillion का लॉस हुआ नोकिया को। तो क्या चीज़ थी कि एक कंपनी जहाँ पे इतने एक्सपेरिमेंट्स होते थे और जो अलाउ करती थी चीज़ों को इनोवेट करने के लिए, नई नई चीज़ों को बनाने के लिए, वहाँ से नोकिया जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिक गई। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बोलते हैं फेस ट्रांजिशन, मतलब एक कंपनी और उसकी टीम जो कुछ सर्कमस्टेंसेस में अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे, वो अब बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करने लग गए हैं। आप एंटरप्रेनर से पूछिए, जो लोग अपने स्टार्टअप करते हैं, तो वो कहेंगे कि बड़ी कंपनीज़ में इनोवेशन की कोई जगह नहीं होती, मतलब नए एक्सपेरिमेंट्स की, नए प्रोडक्ट्स की कोई जगह नहीं होती। लेकिन कोई बंदा जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, आप उसको स्टार्टअप में डाल दीजिए, पता चलता है उसकी टाई लूज़ हो जाती है और वो टेबल बजा बजा के अपने आइडियाज़ को ज़ोर ज़ोर से लोगों को बताने लगता है। तो क्या चीज़ है कि वही बंदा एक बड़ी कंपनी में अलग तरीके से बिहेव कर रहा है और जब हम उसको स्टार्टअप में डाल देते हैं उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है? तो ये जो कंपनीज़ का, लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, ये बिज़नेस में और सोशल साइंस में भी एक ऐसी गुत्थी है जिसको लोग सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं फेज ट्रांजिशन, मतलब जब आप एक बर्फ़ के टुकड़े के ऊपर हथौड़ा मारते हैं तो वो एकदम चितर बितर हो जाती है, शैटर हो जाती है, और वही अगर आप हथौड़ा पानी के ऊपर मारते हैं तो वो थ्रू एंड थ्रू निकल जाता है, पास हो जाता है और पानी सारे में स्प्लैश हो जाता है। तो सेम मॉलिक्यूल्स अब हम टेम्परेचर जैसे जैसे कम करते जाते हैं 32 degrees Fahrenheit पे, वही पानी जो है आइस बन जाता है और उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। यहीं से हम समझेंगे कि ये फेस ट्रांजिशन क्या होता है। एक फिजिसिस्ट हैं फिल एंडरसन,
उनका ये कहना है कि अगर हम काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स लेते हैं किसी चीज़ के और उन सबको जोड़ देते हैं, तो जो सम निकल के आता है या जो टोटल निकल के आता है वो उन सारे पार्ट्स से अलग होता है। वो तो एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे कोई मेटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। बट ये वाटर के लिए भी सच होता है। आप एक पानी की बूंद को बर्फ़ के ऊपर डालिए, वो बर्फ़ बन जाएगी। वही पानी की बूंद आप पानी के ऊपर डालते हैं तो वो जाके उस पानी में मिक्स होकर इधर उधर घूमने लगती है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? देखिए, आप ऐसे समझिए कि जैसे बहुत सारे सैनिक जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं आर्मी के लिए, उन्हें ट्रेन किया जा रहा है, कैडेट्स, उनका एक मेन पर्सन है जो उन्हें ट्रेन कर रहा है। जैसे ही वो सीटी बजाता है सारे कैडेट्स एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में खड़े हो जाते हैं। और वही होता है जब पानी आइस बन जाता है, उसकी एक प्रॉपर फॉर्म हो जाती है और वो जम जाता है। जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी में दो तरह की फोर्सेस काम करती हैं, एक तो बाइंडिंग फोर्सेस जो जोड़ती हैं सारे मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से, और एक होती है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब पानी चाहता है वो बिखर के रहे, क्योटिक मतलब बिखरा बिखरा, ऐसी फोर्सेस जो पानी के मॉलिक्यूल्स को दूर दूर रखती हैं। तो ये दोनों फोर्सेस हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करती हैं। और धीरे धीरे जब हम पानी का टेम्परेचर कम करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है वैसे वैसे जो हमारी बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो बढ़ती जाती हैं और एंट्रोपी जो खुला घूमने वाली फोर्सेस थी वो कम होती जाती हैं। फिर एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ पे एकदम सिस्टम स्नैप करता है और जो सारा का सारा पानी है वो बर्फ़ बन जाता है। मतलब वहाँ पे एंट्रोपी ख़त्म हो गई और जो बाइंडिंग फोर्सेस थी उन्होंने एंट्रोपी के ऊपर जीत पा ली। तो ऐसा ही होता है बड़ी कंपनीज़ में। वो कंपनीज़ जो पहले इनोवेशन को या नई प्रोडक्ट्स को या ऐसे क्रेजी आइडियाज़ को, जिनको हम बाद में एक टर्म देंगे लून शॉट, इसको हम बाद में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तो ऐसे क्रेजी आइडियाज़ को जिनको कोई सोच नहीं सकता है उसको प्रमोट करती थी, वही कंपनीज़ अब क्रेजी आइडियाज़ को प्रमोट करना बंद कर देती हैं। जैसे हमने नोकिया का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा, वही कंपनी जिसने पहला GSM फ़ोन बनाया, जिसने पहला कार फ़ोन बनाया, जिसने पहला एनालॉग फ़ोन बनाया, उसने बाद में स्मार्टफोन जो कि उसने ऑलरेडी इंजीनियर्स ने तैयार कर लिया था, टॉप मैनेजमेंट ने उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो वही सिस्टम जो कि पहले एक लून शॉट क्रेजी आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहा था, उसने अब उन आइडियाज़ को पूरी तरह से सपोर्ट करना बंद कर दिया और कंपनी ख़त्म हो गई। तो क्या होता है जब सिस्टम्स स्नैप करते हैं या एक टाइम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कन्वर्ट होते हैं? इसको अब हम कंपनीज़ के रूप में जानेंगे आगे। इसको अब हम इस तरीके से समझते हैं कि जब लोग इकट्ठे होते हैं, टीम बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं, कोई ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें भी अलग अलग टाइप की दो तरह की फोर्स काम करती है, इंसेंटिव की, जिसको हम नाम दे सकते हैं। पहला है स्टेक, आपका क्या दाव पे लगा है। दूसरा है रैंक, ओहदा। मतलब जब कंपनी छोटी होती है तो उसमें जो 8-10 लोग काम करते हैं उनके स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। स्टेक्स का मतलब दाव पे सब कुछ लगा होता है। या तो अगर कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लेती है या आइडिया हिट हो जाता है तो सबको मिलिनेयर बन जाएंगे, सारे हीरो बन जाएंगे, लेकिन जो रैंक है उस पर कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही कंपनी जब धीरे धीरे बड़ी होती है, कॉर्पोरेट में कन्वर्ट हो जाती है, तो लोगों की रैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अब उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनकी पोजीशन ऊपर हो जाएगी और जो उनका दाव पे लगा होता है, स्टेक्स होते हैं, वो कम हो जाते हैं। कोई भी कंपनी कितनी भी कोशिश कर ले, ये जो फेज़ बदलेगा, फेज़ ट्रांजिशन होगा ही होगा। मतलब सिस्टम स्नैप करेंगे। वही कंपनी जब पहले छोटी थी और जो क्रेजी आइडियाज़ को सपोर्ट करती थी, इनोवेशन में विश्वास रखती थी, नए प्रोडक्ट्स बनाने में विश्वास रखती थी, अब धीरे धीरे उन्हीं आइडियाज़ को, उन्हीं प्रोडक्ट्स को वो शॉट डाउन करने लग जाएगी, जैसे हमने नोकिया के एग्जांपल में देखा। अब हम क्या कर सकते हैं, जब हम इसकी फोर्सेस को समझते हैं तब हम ये देख सकते हैं कि कैसे छोटी कंपनीज़ के स्ट्रक्चर को बदल के भी हम वो चेंजेस ला सकते हैं। मतलब हमें ऐसा नहीं है कल्चर पे ही काम करना पड़ेगा बहुत बड़े लेवल पे। अगर हम इसका स्ट्रक्चर समझें कि कैसे फेज ट्रांजिशन होता है, कैसे सिस्टम स्नैप करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, या कैसे फेज बदलते हैं, तो हम अपनी कंपनीज़ को बचा सकते हैं। मतलब अभी भी कंपनीज़ जो है वो लून शॉट्स को जन्म दे सकती हैं, कंपनीज़ बड़ी होने के बाद भी ख़त्म होने से बच सकती हैं। इसी आइडिया को हम फर्दर आगे के वीडियोज़ में कल और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।